महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1999 को। राजस्थान राज्य महिला आयोग के गठन हेतु विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया? अप्रैल 1999 में। अब तीसरा, राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष पहले अध्यक्ष कौन है? श्रीमती कांता खतूरिया। और आयोग कब बना था? 1999 में। राज्य महिला आयोग की किस धारा में आयोग के कार्यों का वर्णन है? धारा 11 के अंदर। विशाखा गाइडलाइन संबंधित है महिलाओं उत्पीड़न से। विशाखा गाइडलाइन के बाद कौन सी बनी थी? 2013 के अंदर नया गाइडलाइन आया था। राज्य महिला आयोग के अंतर्गत आने वाले मामले हैं, दहेज उत्पीड़न आता है, यौन शोषण भी आता है, घरेलू हिंसा सभी है तो उक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कब मनाया गया? 1975 से 85 और 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य महिला नीति कब जारी की गई थी? 8 मार्च 2000 को। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिकरण निवारण अधिकरण कब आया था? 2013 के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सुमन शर्मा है। और पहली कौन थी? कांता खतूरिया। राज्य महिला आयोग अधिनियम की किस धारा में आयोग द्वारा राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान है? धारा 14(1) के अंदर। निम्न कथनों को पढ़े। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। हाँ, एक तो अध्यक्ष होती है, 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें सदस्यों में ST SC एक OBC महिला होती है। सही है, ए और बे दोनों सही है।